अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शाहनवाज आलम के निर्देश पर अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से निकाय चुनाव के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक कांग्रेस के चेयरमैन जुनैद हुसैन द्वारा की गई। बैठक में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग अशरफ साबरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव बरेली मंडल प्रभारी अनवर अनीस व प्रदेश सचिव प्रभारी जाबिर जैदी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अनवर अनीस ने कहा, पूरे मंडल के हर जिले में जाकर संगठन की समीक्षा की जा रही है। जो लोग निष्कर्ष पदाधिकारी हैं, उन्हें पद मुक्त करके नए लोगों को जोड़ा जाएगा एवं निकाय चुनाव में जो योग्य व जिताऊ प्रत्याशी होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रदेश सचिव असलम चौधरी ने कहा, निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी बहुत सोच समझ कर चयन करेगी। हम लोग पूरे जिले में जिताऊ प्रत्याशी ही मैदान में उतारेंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आज के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे चेयरमैन जो भारत यात्री भी है राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उसे दिए दिशा निर्देश में पूरे प्रदेश में हम लोग जो मंडल इंचार्ज हैं, जैसे मैं बरेली मंडल का हूँ, हमारे साथ भी आए हैं जिले के इंचार्ज सैयद जावेद जी, बधाई दे रहा है। हम लोग हर जिलों में जाकर निकाय चुनाव से पहले संसद की अपने माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अब संसद का समीक्षा कर रहे हैं। क्या हमने अभी नए हमने नवनियुक्त अध्यक्ष हुए क्या पैसे करा महानगर अध्यक्ष अशराफ अंसारी जी, जहाँ भी अभी नए अध्यक्ष हुए हैं उनकी कमेटी से बात करना, और अगर कोई कमी खामी है किसी जिले में कहीं कोई बदलाव है या कुछ है तो उसकी भी सबसे राय मशवरा करना, देखना उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करना। अगर कहीं है यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये मकसद है मैं सब सारे जिलों में जाके अपनी इकाइयों को दुरुस्त करना। और चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव आ रहा है, इसमें हमारा माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई भी हमारा कहीं लोग उम्मीदवार है, चेयरमैन जी का है, नगर पंचायत चेयरमैन जी का है या निगम का है या पार्षद का है, अगर कोई ऐसा नाम है जो इच्छुक भी है मजबूत भी है पार्टी की दृष्टि से, तो उसको हम आगे यहाँ के संगठन से बात करके उसको टिकट दिलाने का काम करेंगे, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस तरह से आपके जितने भी नेतागण थे भाषण दे रहे थे वो लगातार 2024 की तैयारी की बात कर रहे थे, क्या निकाय चुनाव के संबंध में आज का कार्यक्रम है या 2024 के? निकाय चुनाव से 2024 तैयारी शुरू हुई है। हम तो निकाय चुनाव पे इसलिए जोर दे रहे हैं कि भाई निकाय चुनाव सेमीफाइनल समझिए वो फाइनल है, तो निकाय चुनाव उसके बीच में तो कोई चुनाव है ही नहीं, तो निकाय चुनाव ही हमारे सेमीफाइनल है, तो इसमें हम अपने लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह का संचार कर रहे हैं, भाई वो अपना रखे कांग्रेस बरेली मेयर सीट पर कौन सा समुदाय चेहरा होगा? ये तो अभी तो परसीवन नहीं हुआ, ये परसीवन नहीं हुआ, ये हाईकमान का विषय है। जब परसीवन अब महिला होगी समान होगी या पिछले जो भी सीट होगी उसके बाद हमारा हाईकमान है, एक संसदीय बोर्ड है, वहाँ पर पिछले से योग नाम जिले के लोग भेजेंगे। इतने लंबे समय से देखा जाता है बरेली जनपद में आपके कांग्रेस के नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आते हैं, ऐसा क्या संगठन इतना कमजोर क्यों सकता है? भाई हमारा कोई अभी जनपद तो बस कुछ है नहीं, हमारे जनपद इस टाइप माइनॉरिटी से आते हैं, ये लगातार 20 साल से जीत रहे हैं, आगे भी चुनाव लड़ेंगे जीते हुए, वो लगातार मेन बॉडी बात कर रहे हैं। सभी तरह के संगठन जो आपके हैं जितनी भी बॉडी हैं बरेली जनपद में कहीं जनता के साथ खड़ावा नहीं मिलता, बहुत ही मामले बरेली के अंदर होते हैं, कहीं पे इस कांग्रेस के नुमाइंदे दिखाई नहीं देते, ऐसी क्या वजह है? ऐसे नहीं है, हमारे संगठन बहुत मजबूत है और कांग्रेस जो है वो एक समंदर है, उसको लेके चलती है। लगातार जनता के मामले उठाए जा रहे हैं, लगातार प्रदर्शन है या जो भी है, कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। निकाय चुनाव को लेकर आज समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन क्या निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट वितरण का काम अल्पसंख्यक विभाग को दिया गया है या मेन संगठन ही करेगा? जैसे मेन संगठन है वैसे ही जिस्म का एक हिस्सा हाथ भी होता है पैर, सभी फ्रंटल संगठन एक जिस्म के हिस्से, कांग्रेस कई तो हिस्से हैं, हम लोग सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन की मजबूती को देखने को ये समीक्षा बैठक रखी गई जिसमें माननीय हमारे मंडल प्रभारी यहाँ मौजूद है, वो संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, और ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से जो प्रत्याशी हैं मजबूत जो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं उनका चयन प्रक्रिया के रूप में ये बैठक की।